अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और ट्यूपल्स। वेरिएबल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आर यूज टू रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। वेरिएबल्स किस काम आते हैं? मेमोरी होती है, उसमें आपके कोई डेटा रिजर्व कर देता है, मतलब सेव कर देता है, स्टोर कर देता है। तो आपको मतलब के जब भी उस चीज़ को यूज़ करना हो, आप उसको कॉल कर सकें। समझ लें, आप उसको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आप उसको वापस से कॉल कर लेंगे कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। आप वेरिएबल्स को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें, सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं, आप बार बार यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को। इट कैन बी स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर एंड एटसेट्रा। वो उसकी डेटा टाइप क्या क्या हो सकती है? उसकी डेटा टाइप हर तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग हो सकती है, बुलियन हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है एंड एटसेट्रा, और भी ज़्यादा मजीद हो सकती है। वेरिएबल्स आर म्यूटेबल, इट्स वेरी यूज़फुल। वेरिएबल्स क्या है? म्यूटेबल है, मतलब के चेंजेबल है, मतलब कि वो चेंज हो सकते हैं, वो मतलब आप जब चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इट्स वेरी यूज़फुल, ऑब्वियसली इट्स वेरी यूज़फुल, ख़ास तौर पर जब आपको ऐसे कोई काम करना है, जब यूज़र का जब कुछ बार बार यूज़र को कुछ चेंज करना है, तो वो आराम से चेंज कर सकता है, यूज़र अपना या आप भी कर सकते हैं। रीडेबल मतलब कि बहुत ऐसे वेरिएबल में जब आप कुछ स्टोर करते हैं, तो वो रीडेबिलिटी आपके इजी कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना था, तो हेलो वर्ल्ड को आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा ए इज़ इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वेरिएबल क्या हुआ यहाँ पे? आपका ए हुआ। ए में क्या चीज़ सेव हुई? हेलो वर्ल्ड। आप डायरेक्टली आप प्रिंट में आप हेलो वर्ल्ड ही लिखें, आप सिर्फ ए लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, कॉल करेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड को। क्लीन कोड, ऑब्वियसली जब आपका कोड साफ दिखेगा, आपको सिर्फ समझ लें आपने इतना बड़ा आपने लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ लिस्ट या डिक्शनरीज आपने लिखी है, एक वेरिएबल के अंदर सेव है, स्टोर हुई भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने छोटे से वेरिएबल में बनाई हुई है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत साफ कोड होगा इससे। एंड कैन बी ओवर रिटन वैन नीडेड। एंड कैन बी ओवर रिटन मीन्स ये जब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल वही आप इसको ये चेंजेबल है, आप जब चाहें इसको ओवर राइट कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर चेंज करना है, अगर नेम इज़ इक्वल्स टू मैसम, तो बाद में आप इसको कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल्स टू मोहम्मद अहमद या कोई भी, आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। बट इन अदर सिनेरियोस, म्यूटेबल वेरिएबल्स कैन बी डेंजरस, टिपिकली व्हेन इट कम्स टू यूज़र डेटा। मतलब क्या? जब बाकी अगर एग्जांपल में देखा जाए, ये चीज़ यहाँ पे जब अभी आसान है, ये चीज़ बाद में जाके आगे मुश्किल भी बन सकती है। कैसे मुश्किल? इस वजह से बन सकती है क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मसला यही है कि ये चेंज हो सकता है, कोई भी इसको चेंज कर सकता है। हमें चाहिए कि सिर्फ स्पेसिफिक लोग चेंज कर सकें या चेंज कर ही ना सकें, परमानेंट रह के ये आगे जाके कोई बदल ही ना सके। इसको चेंज कैसे करते हैं? ये म्यूट यहाँ तक कि ट्यूपल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, मगर वो अभी थोड़ी देर बाद अभी बात करते हैं। मगर पहले आप ये सुन लें कि ये चेंज होने की वजह से ये यूज़र का जो डेटा है ना, वो सेव नहीं रहता, मतलब कि यूज़र आप पे ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं कर सकेगा कि भाई ये मेरा डेटा यहाँ पे जा रहा है, मगर भाई ये तो सेफ ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब कोई भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, क्या पता कल को कोई मेरे सिस्टम में घुसा हो, वो उसने चेंज कर दिया विदाउट एनी एक्सेस, विदाउट एनी अथॉरिटी, क्योंकि ये तो कोई भी चेंज कर सकता है। नो यूज़र वॉन्ट्स टू लेट एनी वन चेंज हिज हर डेटा विदाउट यूज़र्स परमिशन। वही बात बोल रहे हैं कि बिना यूज़र की परमिशन के लिए कोई भी नहीं चेंज करना चाहे, मतलब कि कोई भी यूज़र हरगिज़ भी नहीं चाहेगा कि उसके बिना परमिशन के कोई भी उसका डेटा या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई चेंज करे। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल वील यूज़ ट्यूपल। वही मैंने जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ट्यूपल के बारे में बात करें, वही हम वेरिएबल में हम अभी क्या सिंपल और नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करें जिसमें हम कुछ भी सेव कर सकते हैं, जो कुछ भी में हम कुछ भी सेव कर तो सकते हैं, मगर वो कुछ भी आप चेंज भी कर सकते हैं ज़रूर। आपने अभी नाम अगर मैसम लिखा है, तो बाद में आप कल कुछ और लिख सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं आकर, यही मसला है। तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ट्यूपल ऐसे सिनेरियोज़ में जहाँ पे यूज़र का डेटा, मतलब यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर सिक्योर रखनी, सेफ रखनी कि कोई भी ना बदल सके इतनी आसानी से, तो आप क्या यूज़ करें? ट्यूपल्स। डिस्पाइट ऑफ दिस, वेरिएबल्स आर गुड प्रैक्टिस। मतलब कि क्या? वेरिएबल्स गुड प्रैक्टिस है, क्यों? वही आपका कोड साफ रहता है, रीडेबिलिटी में आसानी होती है, वो आप जब चाहें उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे कि अब ये वाला पहले पिक्चर देख सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे मैंने लिखा नेम
यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये है हमारा, ये नेम है, ये वेरिएबल है, ये है आपका असाइनमेंट, ये लोग इसको बोलते हैं इस इक्वल्स टू, सही है ना, मगर इन प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे असाइन हो रहा है क्या चीज़, आप कोई सा भी डेटा हो सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन हो रहा है, स्ट्रिंग में असाइन क्यों हो रहा है, मैसम मेरा नाम असाइन हो रहा है, सही है। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे हमने क्या किया, नेम को हमने कॉल किया, वेरिएबल को कॉल किया, तो नीचे क्या एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट क्या हुआ, मीसम प्रिंट हुआ। अब यही चीज़ हम इंटीजर पे के लिए भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, नम वन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 10 लिखा हमने, नम वन को कॉल किया तो 10 एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमने क्या किया, फ्लोट, हमने फ्लोट चेक करने के, फ्लोट हो सकता है, तो हमने नम टू लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 10.555 हमने लिखा, नम टू का कॉल किया हमने, उसका एग्जीक्यूट वही नंबर हो गया एग्जैक्ट। हमने अब क्या चेक कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू हो सकती है यहाँ पे क्या, तो अब यहाँ पे पहले हम चेक कर रहे हैं बुलियन, जिसके सिर्फ बुलियन इस वेरिएबल का नेम है और असाइनमेंट ऑपरेटर उसके बाद क्या है, ट्रू। याद से जब हम ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो वो अक्सर कुछ लैंग्वेज में ट्रू होता है स्मॉल टी से, मगर इन पाइथन हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी। तो याद रखिएगा, जब भी आप बुलियन वैल्यू यूज़ कर रहे हो, आपको ऐसे स्टोर करना है ट्रू एंड फॉल्स डायरेक्टली, हार्ड कोडेड वैल्यू ये आपको सेव करना है, तो आप टी कैपिटल होगा, एफ कैपिटल होगा इसमें। अब बाद में हम एक और वेरिएबल नाम बनाया, एक और वेरिएबल हमने बनाया, उसका नाम है बुलियन टू ऑपरेटर्स या असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद फॉल्स। इसमें बुलियन टू पे क्या है, सिर्फ हमारा फॉल्स, और सिर्फ बुलियन पे है हमारा सिर्फ ट्रू। हमने पहले कॉल किसको किया, बुलियन को कॉल किया, नेक्स्ट लाइन में बुलियन, आफ्टर बुलियन टू हमने कॉल किया बुलियन को, उसमें क्या एग्जीक्यूट हुआ, ट्रू, मतलब के हमारा ये भी काम कर रहा है, हमारा बुलियन वैल्यू भी इसमें काम कर रही है वेरिएबल में, और बुलियन टू में फॉल्स भी हमारा काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये तो बहुत ईजी था, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पहला पहले जो आप पिक्चर यदि देखें, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू मैसम, मिडिल नेम इज़ इक्वल्स टू बिन, लास्ट नेम इज़ इक्वल्स टू शौकत। अभी मैं यहाँ से इज़ इक्वल्स टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑब्वियसली बार बार असाइनमेंट ऑपरेटर बोल दूंगा तो आप भी बाद में आप खुद कन्फ्यूज़ हो, इसलिए अभी याद रखिएगा, बेशक मैं कह रहा हूँ मगर इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, मैं सिर्फ अभी ईज़ के खातिर बस मैं ये बता रहा हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर, मगर मैं बोलूँगा इसको अभी फ़िलहाल इज़ इक्वल्स टू। अभी जैसे कि फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू मैसम, मिडिल नेम इज़ इक्वल्स टू बिन, लास्ट नेम इज़ इक्वल्स टू शौकत। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस, ये प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्यों, क्योंकि मुझे ये नेम्स जो है ना, ये पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आप तो समझ ही गए होंगे देख के कि मुझे ये तीनों नाम मुझे एक साथ जोड़ने हैं, एक साथ ज्वाइन करने हैं मुझे, तो मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, उसका मिडिल नेम, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर लास्ट नेम, पहले मतलब मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। याद से आप यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल नेम में मैंने स्पेसेस दिए हुए हैं, ये स्पेसेस क्यों दिए, क्योंकि जब अगर हम मैसम बिन शौकत अगर लिखते हैं, मतलब कि अगर हम ऐसे प्रिंट करते हैं विदाउट स्पेसेस इन बिन में, तो ये एक साथ सारे जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि मैसम बिन शौकत होता है। अभी यहाँ पे क्या, मैसम स्पेस बिन स्पेस शौकत है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी स्पेस यूज़ हो रही है क्यों और कैसे, क्योंकि यहाँ पे बिन है, बिन में क्या है, बिन से पहले और बिन के बाद स्पेस दिया हुआ है। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैसम के बाद स्पेस दे देते और शौकत से पहले स्पेस दे देते, तो बात ये घुम फिरा के ये चीज़ हो जाती है। जब अभी हम प्रैक्टिकल में अभी जाएंगे तो आप उसमें देखिएगा कैसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू मैसम, मिडिल नेम इज़ इक्वल्स टू बिन, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू शौकत, प्रिंट फर्स्ट नेम और प्लस ऑपरेटर, मिडिल नेम प्लस ऑपरेटर, लास्ट नेम एग्जीक्यूट किया हुआ मैसम बिन शौकत। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जुरैन, ये आप देख रहे हो, ऊपर भी फर्स्ट नेम है, नीचे भी फर्स्ट नेम है, ये दोनों वेरिएबल के हैं, सेम है, मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवर राइट हो रहा है, यहाँ पे हमने मैसम से नाम बदल के जुरैन किया, मतलब कि ये बहुत ईजी था, यहाँ पे हमने नाम बदल दिया अपना, क्या प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, क्या एग्जीक्यूट हुआ, जुरैन बिन शौकत। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने क्या लिखा वेरिएबल में, हमने सबसे पहले जब सबसे ऊपर वाली लाइन में हमने लिखा मीसम, उसके जब
ये प्रिंट जब मेरा एग्जीक्यूट जब नाम हुआ मैसेज मैंने छोड़कर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू जुरैन। जुरैन चेंज कैसे हुआ? क्योंकि ये ओवरराइट हो गया, ये मैंने वही बोला था इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ये आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके चेंज करने बहुत से तरीके हैं, सबसे ईजी तरीका है। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ, हम मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये। अब प्रैक्टिकल पे आ रही हैं, तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक फोल्डर बनाया था ट्यूटोरियल के नाम से, वो ये रहा मेरा डेस्कटॉप पे ही सामने ही है, यहाँ पे शो हो रहा है। आपने अगर किसी और ड्राइव में बनाया है, कहीं और सेव होगा, तो याद से आप वहाँ पर इसको खोल लें, इस फोल्डर को जिस नाम से भी आपने बनाया है। उसके उसके अंदर एक फ़ाइल थी हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई के नाम से, तो ये वाली फ़ाइल तो हमें अभी फ़िलहाल नहीं खोलनी, ना ही इसका काम है कोई, क्योंकि एकदम ही बेसिक्स थी। अब हम लोग एक काम करते हैं, आपके थोड़ा मतलब कि अब GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से निकल के अब ज़रा हम थोड़ा कीबोर्ड पे हम रिलाई करेंगे, सही है? तो उसके लिए हम अभी हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, हम VS कोड खोलेंगे, डायरेक्टली नहीं खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से खोलेंगे, सही है? अब यहाँ पे मैंने देखें, इस से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी लोकेशन सिलेक्टेड हो गई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिलेक्टेड है सिलेक्टेड रहने दें इसको, यहाँ पे लिखें CMD लिख दिया। आप सिर्फ आपको क्या करना है, एंटर करना है, एंटर किया, ये ओपन हो गया, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया, सही है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है CoD मतलब कोड, यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है डॉट स्पेस दे के एक डॉट, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया, और देखा ऑटोमेटिकली ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट बंद करना मर्जी बंद कर दें, मैं तो बंद कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, इस फाइल का हम नाम लिखेंगे 00basics.py। आप जैसे देख सकते हैं मैंने जीरो, आप सोच रहे हैं मैंने 00 क्यों लिखा, बेसिकली मैंने इसको एज अ प्रोग्रामर मैंने इसको लिखा है, मैंने क्या लिखा है 0, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में जब हम आते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपका कि आप प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से डायरेक्ट नहीं आप पहुँचते, आप पहले स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। और इन रियल लाइफ आप अगर देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आप पहले क्या गिनते हैं 1 2 3, मगर प्रोग्रामिंग में आप 1 से नहीं, आप 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आप पहले थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हमारा पहले तो आपको लिखना है नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स ए इज़ इक्वल्स टू, यह नेम हो गया हमारा, ये वेरिएबल है, नेम हमारा वेरिएबल है। अब जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप लिखें, इसके अंदर पहले दो कोटेशन मार्क डालें, ये डबल कोटेशन मार्क है ना वो डालें, उसके बाद यहाँ पे आप नाम लिखिए अपना मैसम, जैसे मैंने लिखा है अपना, आप अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें प्रिंट नेम, बस इतना सा, कंट्रोल एस दबा दें अगर आपका ऑटो सेव होता है तो सही है। और यहाँ पे आपको ये यार ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे अनेबल मतलब कि ये रन कैसे करना है, मैं कहा था अगर आपको डायरेक्ट टर्मिनल से करना है वो भी कर सकते हैं। चलें आइए मैं टर्मिनल यूज़ करूँगा, चलें टर्मिनल हमारा स्टार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा फोल्डर में आ चुका है जी डेस्कटॉप ट्यूटोरियल, ये हमारा आ चुका है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 00 लिखें, टैब दबा दें, टैब दबा देंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रिक है और टिप भी है, सही है? तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, आप एंटर करें, देखें क्या होगा, मेरा नाम प्रिंट हुआ है, लिटरली मेरा नाम प्रिंट हो चुका है, तो अम्मी सब नाम प्रिंट हो गया। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपना पूरा नाम प्रिंट करना है तो आप ये कर सकते हैं फर्स्ट नेम, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अंडर स्कोर क्यों डाला पहले, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि अंडर स्कोर इसलिए डाला क्योंकि अंडर स्कोर से ये पता चलता है ये रीडेबिलिटी के लिए काम आता है, वही मैंने बताया रीड पढ़ने में आसानी होती है, यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, ये देखिए एरर दिखा रहा है, आप अंडर स्कोर डाल सकते हैं, आप नंबर लिख सकते हैं 0 इस तरह करके, मगर मैं अंडर स्कोर और मैं एन जो उसका पहला जो मेरा वेरिएबल का नाम होता है ना मैं लिखता हूँ उसको लोअर केस हर कोई, क्योंकि ये अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेंगे इसमें कोई एरर नहीं आएगा, मगर इसमें
ये रेकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें फिर आप जब क्लासेस में आएंगे ना, जब आप क्लासेस सीखेंगे तब आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें। पहला जो आपका वर्ड होगा फर्स्ट का, एफ को स्मॉल लिखें, उसका जब नेम है मर्जी है, आप चाहे तो अंडरस्कोर ना लिखें, चाहे तो अंडरस्कोर लगा लें, अंडरस्कोर लगा लेंगे तो और रीडेबिलिटी के लिए आसान होगा, बाद में आपकी मर्जी है। एन अगर आप कैपिटल लिखना चाहें तो कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखना चाहें स्मॉल लिखें, मैं कैपिटल लिखूँगा क्योंकि मुझे इस तरह पसंद है, इस तरह की ये मुझे अच्छी लगती है इस तरीके से। अब हमें लिखना है अपना मिडल नेम। मिडल नेम इज इक्वल्स टू बेन लास्ट नेम इज इक्वल्स टू शौकत। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बल्कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फुल नेम लिखने, ये सब कुछ आप वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स, ये देखिए आप। अब ये सारा चीज़ मैं एक ही वेरिएबल में, लास्ट टाइम मैंने आपको जो मैंने दिखाया था क्या नाम है उसका, जो पिक्चर दिखाई थी, वो जो जब हम थ्योरीज के जब हम कर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें हम प्लस कर रहे थे, आपको वो तो समझ आ गया। मगर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो इससे भी प्लस से भी ज़्यादा ईजी है और बहुत आसान है, जब आप जब चाहें उसको यूज़ करें। वहाँ पे तो आपको मतलब कि बार बार प्लस 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 आपको समझ लें 3 दफ़ा वो चीज़ प्रिंट करनी, तो आप प्लस 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 इस तरह लंबा अपना प्रोसेस या कॉपी पेस्ट करेंगे। मगर यहाँ पे अब इससे आपको क्या करना होगा, मैं आपको पहले दिखा दूँ, पहले आप जैसे मैं करूँ वैसे करें। यहाँ पे आप लिखें सिर्फ फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, ये हो गया सारा। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, सोच रहे मैंने वही तो किया है, बस मैंने एक और वेरिएबल किया और बड़ा कर दिया, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, ये बड़ा नहीं हुआ ये बल्कि छोटा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 प्रिंट किया मैटर किया, या मैं लूप यूज़ करूँ, आपको लूप को बल्कि छोड़े मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, आपने अगर 10 प्रिंट के किया हुआ है समझ लें ऐसे ऐसे करके, कंट्रोल सी ऐसे ऐसे, अभी पता नहीं कितने मैंने गिना नहीं, जितने भी हैं आपको आप इन सब में जाके, वरना ये पूरा प्रोसेस कॉपी पेस्ट करना होता। अब मैंने क्या इजी कर दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फुल नेम जाके हर किसी में सिर्फ लिखना होगा, सिर्फ ऐसे फुल नेम लिखना होगा। इसका एक और शॉर्ट हैंड है, आप लूप यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी हम लूप पे की बात नहीं कर रहे, मगर मैं सिर्फ आपको पहले से बता रहा हूँ एक चीज़ के, लूप जैसी चीज़ भी जो और आसान कर देती है इस चीज़ को लूप करने के लिए। अगर आपको 10 दफ़ा प्रिंट करना, 10 दफ़ा प्रिंट अनलिमिटेड करना है, तो फिर आप वाइल लूप यूज़ कर दें, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दे दिया। यहाँ पे चल हम लिखते हैं फुल नेम, अब आप देखिएगा, वापस हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं मेसम बिन शौकत, आपको कुछ अजीब लग रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। जब लास्ट टाइम जब हमने जब प्रेजेंटेशन में जब हमने वो देखा था उस पे पिक्चर में, उसमें गैप स्पेसेस थी, अगर आपको याद है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बताया था ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको याद है तो फिर आपको पता होगा क्या करना है, और जिनको नहीं पता, जिन्होंने मतलब वीडियो स्किप कर दी थी, तो फिर उनके लिए भी बता ही देता हूँ कि स्पेसेस ये क्यों हो रहा है ऐसा। सिंपल है, आप सिर्फ बिन से पहले स्पेस दे दें और बिन के बाद दे दें, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि मीसम के बाद क्या दे दें और शौकत से पहले ये दे दें, ये भी काम करेगा। ये देखें मीसम बिन शौकत। अब आपको फॉर एग्जांपल चलें इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये कमेंट हो गया आपका। आप सोच रहे होंगे पहले तो आपको, आप सोच रहे होंगे ये कमेंट मैंने कैसे किया, आपको मैं बता देता हूँ पहले, बाद में बताने से अच्छा है कि कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क वाला स्लैश है ना, वो बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड वाला स्लैश जो होता है, वो वाला स्लैश जो शिफ्ट के बराबर में होता है, शिफ्ट के ऊपर वाला, शिफ्ट के बराबर वाला, याद से जिसमें क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, आप कंट्रोल और वो वाला स्लैश पे क्लिक करें, ये कमेंट हो जाएगा सही ना। और वापस से कमेंट से हटाना है तो आप वापस वही बैक स्लैश बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सही ना, कमेंट हो जाएगा इस तरह। और जिसको करना है आपको उसको कॉपी कर लें, या तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये करना है किसी लाइन के आगे, बस आपको किसी लाइन को करना है, आपको उस लाइन को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंट्रोल और ये दबाना है वही फॉरवर्ड स्लैश, इतनी ईजी है। कंट्रोल ऐसा बात ही मैंने वापस से ही दफा, अब हम रुके मैं इसको वापस से कमेंट कर दूँ, भूल गया।
अब हम लोग करते हैं, पहले इंटीजर को करते हैं। नम वन इज इक्वल्स टू 10। चलिए प्रिंट करते हैं नम वन। अब तो ये बहुत इजी है, तो अब आप खुद भी कर सकते हैं, मगर फॉर दोस्त जिनको मतलब कि अभी तक नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं कर देता हूँ। देख लिया आपने, 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया आसानी से। पहले रुकिए, मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ। आप चलें फ्लोट का करते हैं। नम टू इज इक्वल्स टू 45.5965। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नंबर लिख दिया, अब देखें प्रिंट करते हैं। प्रिंट नम टू। सॉरी, मैं कुछ और क्लिक कर दिया। हाँ, CLS नहीं, ये देखें 10 ये रहा है जो हमने अभी तक असल में हमने इसको कमेंट नहीं किया ना, इस वजह से ये आ रहा है। प्रिंट नम वन का क्या आ रहा है आंसर? 10 आ रहा है। और प्रिंट नम टू का क्या आ रहा है? 45.5965 ही आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना इजी था और है। चलें अब हम इसको भी कर देते हैं कमेंट। अब हम करते हैं बुलियन। बुलियन वन इज इक्वल्स टू ट्रू। बुलियन टू इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिंट पहले में आएगा बुलियन वन, दूसरे में आएगा बुलियन टू। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। देख लिया, बुलियन वैल्यू भी हमारी काम करती है इसमें। अब चलें आ जाएं। अब हमने तो सिर्फ अभी वेरिएबल्स समझा दिया, अब अभी तक हमने वेरिएबल्स को चेंज करके नहीं देखा ना दिखाया मैंने, अभी सिर्फ उसमें थियोरेटिकल मैंने आपको बताया था। अब चलें करके दिखाता हूँ, आप समझ लें। अब वो ये नेम के ऊपर वापस से जाते हैं। नेम इज इक्वल्स टू मैसम, प्रिंट नेम। देख लें मैसम हो गया प्रिंट। अब आ जाएं वापस से करते हैं। अब हम कर रहे हैं नेम चेंज, याद से ओवर राइट कर रहे हैं। नेम इज इक्वल्स टू जोरेन प्रिंट नेम। देख लिए जोरेन ओवर राइट हो गया। वही पहले क्या हो रहा है, मैसम आया प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, नेम जुरैन प्रिंट हुआ। जुरैन क्यों हुआ? क्योंकि हमने ओवरराइट कर दिया, हमने पहले ऊपर नेम में क्या था मैसम, हमने वही चीज़ नीचे जाकर चेंज कर दिया। इस प्रिंट के बाद हमने लाइन 21 पे इसको चेंज कर दिया, लाइन 17 पे ये नेम पे हमने असाइन किया था। नेम वेरिएबल हमने क्या असाइन किया, मैसम। उसके वापस से नेम वेरिएबल हमने क्या किया, ओवरराइट किया जुरैन। तो फिर हमने इसको प्रिंट किया, जब ओवरराइट किया, आफ्टर ओवर राइट के हमने प्रिंट किया लाइन 22 पे, तो ये प्रिंट नेम किया, तो क्या हमारा आया, जुरैन, पहले मैसम फिर जुरैन। चलें अब ये हमारा हो गया पूरा सक्सेसफुल, हम इसको कर लेते हैं सेव। इसको मैंने कमेंट कर दिया, आ जाएं वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। अब बात करते हैं ट्यूपल्स की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्यूपल्स। ट्यूपल इज़ वन ऑफ फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड अदर थ्री आर लिस्ट सेट एंड डिक्शनरी। ट्यूपल क्या है, मतलब कि तीन हमारे डेटा टाइप्स तो अच्छे खासे हैं, डेटा टाइप्स अच्छे खासे। मैं पहले ही बता रहा हूँ सिर्फ चार नहीं है, चार से ज़्यादा है, मगर जो कॉमनली नोन है, मतलब कॉमनली पॉपुलर है, वो हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो चौथे नंबर, पहले जो पहले आपको पहला है लिस्ट सेट फिर डिक्शनरी, फिर चौथे पे आते हैं हमारा ये ट्यूपल आता है। तो ट्यूपल हमारे चौथे नंबर पे डेटा टाइप है ट्यूपल एक।
Tuples are immutable and they use opening and close brackets parentheses मतलब के open and closing parentheses to store a sorts of data मतलब के ये use क्या करते हैं मतलब के tuples की निशानी क्या है ये use करते हैं ये open and closing parentheses मतलब के और ये क्लोजिंग ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ये और ये हर तरीके के ये डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं दे हैव द पावर टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा तो टूपल्स का ये और टूपल्स का क्या ख़ास बात है कि वो अनचेंजेबल है मतलब कि उसको कोई भी इतने आसानी चेंज हो सकते हैं उसका तरीके है मगर वो चेंज बेसिकली कोई कर नहीं सकता क्योंकि वो आसान नहीं होता इतना करना उसको चेंज उसके जो जिसको चेंज करना होगा वो चेंज वो उसे प्रोग्रामर कर सके कोई यूज़र नहीं कर सकता ऑब्वियसली प्रोग्रामर के पास फिर जब प्रोग्रामर ही एक सब कुछ बनाता है फिर प्रोग्रामर ही जानता है उसको कैसे बिगाड़ना तो सब कुछ प्रोग्रामर ही कर सकता है तो हाँ तो फिर वो कोई भी बाकी आम से लोग कोई भी नहीं चेंज कर सकते टूपल्स आर सेफ टू यूज़ ऑब्वियसली टूपल्स आर लिटरली सेफ टू यूज़ व्हेन इट कम्स टू यूजर्स डेटा टूपल्स आर जेन्युइन प्रैक्टिस इन पाइथन मतलब कि जब यूज़र की जब डेटा की बात आती है मतलब कि जब उसको जब हमें सिक्योर रखना है मतलब कि ये नहीं कि बस आप हर दफ़ा चेंज करना है तो उसमें मतलब कि आपको टूपल की ज़रूरत नहीं मगर आपको ऐसा कोई डेटा चाहिए जो चेंज ना हो कोई भी मतलब कि रैंडम बंदा है कोई भी आए स्ट्रेंजर आए और आपका डेटा किसी भी यूज़र का डेटा आके चेंज करके चले जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये एक जेन्युइन एक अच्छी और गुड प्रैक्टिस है पाइथन में कि आप टूपल यूज़ करें इस काम के लिए टूपल्स कैन बी यूज्ड इन लिस्ट्स डिक्शनरीज एंड एटसेट्रा मतलब कि टूपल सिर्फ यूज नहीं होता कि उसको उसके अंदर आप सिर्फ नाम लिखें या उसके वो आप किसी सिर्फ एज में एज के लिए काम करें आप उसको लिस्ट के अंदर भी लिख सकते हैं मैंने लिस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ लें एक है कुछ हैं पहले आपके ब्रेड है योगर्ट है एग्स हैं और मीट है और आपको इसमें से वेजिटेबल भी इसमें समझ लें उसके बाद आपको इसमें क्या चेंज मतलब के चेंज क्या नहीं करना अब आपने इसमें चेंज नहीं करना समझ लें इसमें मेडिसिन भी आपने ऐड है इसमें समझ लें आपको चेंज क्या करनी है मेडिसिन तो आप मेडिसिन को आप एज अ टूपल यूज़ करेंगे इन अ लिस्ट वो अभी मैं आपको नहीं सिखाऊँ जब हम लिस्ट पर जब जाएंगे ना तब मैं आपको टूपल को लिस्ट में इस्तेमाल करना सिखाऊँ अभी सब मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट में आप टूपल यूज़ करते हैं मैंने लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बेशक बाकी चीज़ें चेंज हो गए मगर वो जो स्पेसिफिक चीज़ है समझ लें मेडिसिन है मेडिसिन चेंज नहीं होनी चाहिए अब वैसे यही चीज़ सेम चीज़ डिक्शनरीज में समझ लें अब एज है अब किसी की एज है कोई पैदा हुआ है 2000 कोई पैदा हुआ है 1990s में तो आपको नहीं चाहिए कि ये एज चेंज हो सके तो आप डिक्शनरी में भी आप टूपल यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ें एंड एटसेट्रा आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं टूपल एंड लिस्ट एंड डिक्शनरीज कैन बी यूज इन टूपल एज वेल मतलब कि अभी तो आप लिस्ट के अंदर टूपल यूज़ कर रहे हैं मगर आप टूपल के अंदर लिस्ट एंड डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं मतलब कि आपको अगर पूरी लिस्ट ही ऐसी बनानी जो चेंज ही ना हो सके या पूरी डिक्शनरी ऐसी बनानी कि जो चेंज ही ना हो सके तो आप इसमें भी आप टूपल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं तो मतलब कि पूरा टूपल और पूरा इम्यूटेबल होगा मतलब पूरा ही अनचेंजेबल होगा कोई भी रैंडम बंदा नहीं आके चेंज कर सकता आफ्टर इंसर्टिंग एनी टाइप ऑफ डेटा इट्स गुड प्रैक्टिस टू इंसर्ट ट्रेलिंग कॉमर्स ट्रेलिंग कॉमर्स क्या होता है मतलब कि आपने पहले कुछ भी लिखा उस टूपल के अंदर आपने लिखा फॉर एग्जांपल नेम लिखा मेरा नेम वेरिएबल हो गया हमारा नेम इज इक्वल्स टू फिर आपने ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाए मतलब कि फिर लगाए फिर उसके अंदर आपने डबल कोटेशन मार्क्स लिखे उसके बाद आपने उसके बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स आपने वो अपना नाम लिखा मैसम उसके बाद जब डबल कोटेशन के बाद जब जो लास्ट डबल कोटेशन मार्क है उसके बाद आखिर में आपने क्या लिखा कॉमा लिख दिया एक कॉमा सही है ना ब्रैकेट के अंदर याद से कर्ली ब्रैकेट बोल रहा हूँ ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको लिखना है ना कि बाहर अंदर लिखने आफ्टर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के चलें आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें पिक्चर्स देखते हैं स्क्रीन शॉट्स पहले ये देखें नेम इज़ इक्वल्स टू मैसम ये मैंने क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर लिया आपको अगर याद हो हमने लास्ट टाइम सिर्फ लिखा है डबल कोटेशन के अंदर अब हमने ये क्या लिखा है टूपल के अंदर मतलब कि एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो टूपल मतलब कि अनचेंजेबल है यहाँ पे मैंने नेम कॉल किया तो यहाँ पे मैसम आ गया अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही ऊपर सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है मगर अब मैंने आफ्टर मैसम एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मैं क्या करूँ नेम इन ये जो ब्रैकेट है ना ये
स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके मैंने बिटवीन लिखा ज़ीरो। इसका क्या मतलब, ये इंडेक्स है। जब हम बाकी आगे और आएंगे इंडेक्सिंग इन सारी चीज़ों पे आएंगे, मतलब कि पॉप वॉप कीवर्ड इस तरह की चीज़ों पे आएंगे, फिर मैं आपको दूंगा कि क्या चीज़ इंडेक्स। मगर अभी आप ये याद रखें, ये इंडेक्स है मतलब कि वही ये ज़ीरो। मैसम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। मतलब कि अभी मैसम के इनिशियल्स क्या है, ज़ीरो है। वो अभी किस नंबर पर खड़ा है, ज़ीरो पे। मतलब कि अगर मेरा नाम और नॉर्मली लोग अगर गिरेंगे वैसे गिरेंगे, मैसम पहला वर्ड है, बेन दूसरा वर्ड है, शौकत तीसरा वर्ड है। मगर इन प्रोग्रामिंग मैसम ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बेन फर्स्ट होगा, मतलब कि फर्स्ट नंबर होगा, और शौकत सेकंड नंबर होगा और टू होगा, मतलब कि वन और टू, ज़ीरो वन टू इस तरह होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की, नेम स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो, मैंने इज इक्वल्स टू मोहम्मद, मैंने मैसम का नाम मैंने मोहम्मद में चेंज करने की कोशिश। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे ट्यूपल इस वजह से नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि मैं ट्यूपल के अंदर की जो वैल्यू है मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, ना ही कि डेटा टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब कि ट्यूपल से कुछ और नहीं करना चाह रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मोहम्मद किया, तो यहाँ पे क्या एरर दिखा, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यहाँ पे एरर शो हो रहा है रेड कलर में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एक और पिक्चर, एक और स्क्रीन शॉट है, नेम इज इक्वल्स टू मैसम, ये रहा आपका कॉमा, क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग कॉमास, इस ये है आपका ट्रेलिंग कॉमर्स। ये देखें पहले आपने क्या किया, ब्रैकेट्स डाले, ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क के बिटवीन आपने लिखा मेसम, उसके बाद आफ्टर कोटेशन मार्क आपने लिखा ट्रेलिंग कॉमर्स, मतलब कि सिर्फ सिंपल जबान में बोलूँ तो कि सिर्फ आपने कॉमा लिखा, तो यहाँ पे क्या आया, डेटा टाइप क्या है दिखा रहा है, इसकी शो कर रहा है क्लास टाइप क्या है इसकी, ट्यूपल। यहाँ पे हमने लिखा टाइप, उसके अंदर नेम लिखा, उसका क्लास टाइप ट्यूपल है ये हमारी, सही है ना। आप आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री ट्यूपल। मैं आपको ये करने नहीं बोला, अभी आपको ये थोड़ा समझ नहीं आएगा यहाँ पे क्या हो, मगर सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये जो आया ना क्लास ट्यूपल, मैं आपको सिर्फ से समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी पहले आप लास्ट स्लाइड पर चलते हैं, आप जैसे कि इस पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है ये कॉमा, तो ये नीचे जब मैंने टाइप लिखा तो उसके नीचे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लास ट्यूपल। ये अगर मैं कॉमा नहीं लिखता ना तो ये क्या आपको बताऊँ क्या ये दिखता, ये आपको दिखाता स्ट्रिंग। अभी जब हम एसटीआर दिखाता ये स्ट्रिंग दिखाता, अभी जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम वापस से उस स्लाइड पर जाते हैं, अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कंट्री इज इक्वल्स टू ट्यूपल, मतलब कि ये जो कंट्री जो वेरिएबल है यहाँ पे हम ट्यूपल कर रहे हैं, मगर ये जो कोटेशन मार्क है, जो कोटेशन मार्क में जो कंट्री का जो नाम है पाकिस्तान, ये ट्यूपल तो है ब्रैकेट से, तो ये पता चल गया ट्यूपल है, मगर अगर हम यहाँ पे ट्यूपल नहीं लिखते ना तो यहाँ पे ये फिर क्या शो करता है, स्ट्रिंग। तो जैसे कि हमने ऊपर वाले में लिखा कॉमा, वो उसने ट्यूपल का काम किया, उसने क्या डेटा टाइप बताई ट्यूपल, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही ट्यूपल लिख दिया, तो इससे क्या होगा अगर हम कॉमा ना भी डालें तो भी ये ट्यूपल ही शो करेगा, और इससे जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सबको ब्रेक कर देगा, समय पी को ब्रेक कर देगा, फिर कॉमा डालेगा, फिर ए को ब्रेक करेगा, फिर कॉमा, फिर के को, फिर इससे इस तरह कर ब्रेक करके, और वो सिंगल कोटेशन में शो करेगा। जैसे हमने जब लिखा टाइप कंट्री तो ये दिखा रहा है क्लास ट्यूपल। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आइए हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको ज़रा, ये अपने वीएस कोड में। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें लिखना है अपना ट्यूपल को यूज़ करने का तरीका, यहाँ पे आप लिखेंगे नेम इज़ इक्वल्स टू ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस जो भी आप कहते हैं, मैं अब याद रखिए मैं ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स बोलूँगा, सिर्फ साफ ज़बान में बोलूँगा ब्रैकेट्स, क्योंकि एक ब्रैकेट से एक कर्ली ब्रैकेट से एक स्क्वायर ब्रैकेट से, मैं सिर्फ सिंपली इसको ये सिर्फ ब्रैकेट्स बोलूँगा, आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको ब्रैकेट्स में कर, ये है हमारा पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, मतलब ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से ये। इसमें अब मैं लिखूँगा डबल कोटेशन, इसमें इसके अंदर लिखूँगा मीसम अपना नाम, आप अपना नाम लिखिएगा याद से, मेरा नाम मत कॉपी कीजिएगा, अपना नाम लिखें एकदम कॉपी मत करें, जो कोड लिख रहा हूँ कोड कॉपी बेशक कर लें, मगर जो वैल्यू है वैल्यू मेरी कॉपी ना करें, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोड कॉपी करने वाला वैल्यू नहीं, वैल्यू ना क्या है मेरी मीसम है, आप अपनी वैल्यू उसमें लिखें, आप अपना नाम लिखें अगर आपका नाम जो भी है। अब मैं इसको करूँगा प्रिंट नेम, पहले इसको प्रिंट करता हूँ,
क्या नाम हुआ, वही नॉर्मल वही प्रिंट हुआ, अभी इसमें कुछ नहीं बनाया, टूपल है कि क्या। अब चलें, अब हम लिखते हैं टाई नेम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, क्लास स्ट्रिंग, हालांकि ये टूपल है, इट्स अ टूपल, वाई इट इज शोइंग मी स्ट्रिंग, बिकॉज आई हैव नॉट इंसर्टेड ट्रेलिंग कॉमास। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग कॉमास नहीं लगाए, तो उस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा टूपल, यहाँ पे स्ट्रिंग शो कर रहा है सिर्फ। हालांकि ये टूपल ही है, ये अभी भी अनचेंजेबल ही है, मगर इसकी जो डेटा टाइप बता रहा है वो बता रहा है स्ट्रिंग, और वो सही दिखा रहा है, ये कोई एरर नहीं है, ये कोई बग नहीं है, एकदम सही दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग ही है। मगर हमें क्या अभी देखना है, हमें चेक करना है कि टूपल है कि नहीं है, तो हमें उसके लिए कॉमा लगाना होगा आगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आप याद से ये, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप अगर स्पेस डालते हैं कोई गलत बात नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बल्कि ये मना किया गया। मैं आपको कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ दे दूंगा, आप वो ज़रूर रीड कीजिएगा, ट्रेलिंग कॉमर्स के बारे में और भी ये वाइट स्पेसेस के बारे में भी, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की, वो भी ज़रूर रीड कीजिएगा। अभी मैं वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको ज़रूर कुछ चीज़ें बताऊँगा, सही है ना। चलें अभी इसको वापस से रन करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्या शो कर रहा है, आप देख रहे हैं टूपल शो कर रहा है हमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम यही सेम चीज़ इसको कॉपी करते हैं नीचे, और नीचे ला दिए। अब हम इस कॉमा को हटा देते हैं और इसको जगह हम नेम की जगह यहाँ पे लिखते हैं कंट्री, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्यूपल, यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान। आप जिस कंट्री से, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश से हैं, या किसी भी जगह से हैं, तो आप अपनी कंट्री का नाम लिख लें। और मुझे नीचे ये भी चेंज करना होगा डेफिनेटली, ये क्या इसको, पहले रुके, पहले जो मैं आपको ये दिखाता हूँ एक चीज़, सिर्फ यहाँ पे पहले कंट्री लिखते हैं, इसको रन करके देखते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे भी सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट हुआ, मगर किस तरह के ब्रेक होकर। अब हमें चेक करनी है कि ये ट्यूपल है कि नहीं, हम चेक करते हैं, इसको पहले हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, यहाँ पे हम टाइप लिखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं अब क्या शो करेगा। आप जैसे देख सकते हैं ट्यूपल, ये ऊपर ट्यूपल दिखा रहा है, हमारे मीसम नेम का ट्यूपल दिखा रहा है, हाँ वो भी ट्यूपल है, और ये जो ये जो दूसरा ट्यूपल दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कंट्री का हमारे, कि हमारी कंट्री का जो नेम है वो भी एक ट्यूपल है, वो एक स्ट्रिंग है मगर वो ट्यूपल है। यानी इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं टोटली। अब ट्यूपल को चेंज करते हैं, ट्यूपल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है ट्यूपल चेंज या नहीं होता। आ जाए, पहले हम लिखेंगे वही, चले नेम ही वही हम करते हैं वापस से, नेम ना वही वेरिएबल लिख रहे हैं हम, नेम वही सेम नाम वेरिएबल नेम है, इसमें हम लिखेंगे वापस से, मैं अपना नाम लिखूँगा नेम। अब यहाँ पे पहले हम करते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, नेम, ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। अब हम करने की क्या कोशिश करते हैं, इसको चेंज, ओवरराइट मींस नेम इज इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलें लिखते हैं मोहम्मद, यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट, यहाँ पे क्या करेंगे नेम, अब देखते हैं क्या शो होगा। वेट अ मिनट, आय हाय हाय, मुझसे गलती हो गई, आप जैसे कि देख सकते हैं कि क्या गलती हुई है। पहली बात तो ये कि मैंने इसको ट्यूपल में कन्वर्ट नहीं किया, दूसरी बात ये है कि मैंने इसका इंडेक्स नंबर नहीं लिखा 0, इंडेक्स नंबर 0 मतलब कि मैं समझा इंडेक्स नंबर 0, तो उस वजह से जो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, मैसम है, मैसम पे है, मैसम को हमें चेंज करना है, तो इसलिए इंडेक्स नंबर 0 लिखा, किस पे, किससे चेंज करना है, मोहम्मद से।
आप देखते हैं वापस से रन करके, ये देखें ये एरर एक्सपेक्टेड था, ये एरर अभी अच्छा है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यही मुझे देखना था और मुझे दिखाना था आप लोगों को। जैसे आप देख सकते हैं ये एरर, याद से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो यारी जो है ना यारी वीडियो, ये जो अभी आप ये देख रहे हैं नेम चेंज करने का, ये ट्यूपल चेंज करने कैसे करते हैं, ट्यूपल चेंज नहीं कर सकते यारी वीडियो, तो ये आपस से मैं रिकॉर्ड करूँ। अभी मैंने आफ्टर रिकॉर्डिंग मैंने देखा भैया मैंने तो ये किया ही नहीं यार, तो मैंने पार्ट बनाया ही नहीं इस पर, तो अभी मैं यली वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से सॉरी। अब ये आगे से आप अब कंटिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जैसे ये आप देख सकते हैं हम आगे में वापस से अपनी स्लाइड्स पे, अब हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ कंक्लूजन, इट्स हाईली रिकमेंडेड टू रीड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर लर्निंग, बिकॉज नो चैनल ऑन यूट्यूब और नो इंस्टीट्यूट विल टीच होल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मतलब कि ये आपको हाईली रिकमेंड करा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रीड करें। मैं तो बल्कि मैं ज़रूर नहीं, मैं रिकमेंड नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ ये मैंडेटरी रीड करना, क्योंकि बेशक कुछ चीज़ अगर आपको वीडियो देख के समझ नहीं आ रही, मैं ये रिकमेंड नहीं, मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई ये आप ज़रूर देखो, ये आप पे एक मैंडेटरी है। आप क्योंकि आपको जो समझ नहीं आया, आपने जो आपको समझना है वो पढ़ो जाकर, अगर आपको वीडियो देख के समझ वो पढ़ के देख लो, क्या पता है वो उसमें समझ आया, उसको प्रैक्टिकल करके देखो शायद उसको कुछ और उसका हल निकला है, आपको किसी और तरीके से समझ आ जाए वो चीज़, एग्जैक्ट वही चीज़ जो वीडियो में ना समझ आ रही, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। और हालांकि डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं ना कि इस वीडियो में, चाहे आप मेरी अली वीडियो देख लें, मैंने इसमें बहुत कम चीज़ें आपको बताई, मैं खुद बता रहा हूँ। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे जो जो टीचर है या जो इस इंस्टीट्यूट में आप अगर पढ़ने जाते हैं, या आप अगर कभी जाएंगे, या आप कभी पूछें किसी भी अगर आपके कोई जानने वाले हैं, हर कोई यही बोलेगा कि कोई भी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखाता, ना ही कोई सीखता है कभी भी। इट्स पॉसिबल बट इट्स यूजलेस बिकॉज लर्निंग होल लैंग्वेज मेक्स नो सेंस एंड इट्स अनप्रोफेशनल। मतलब क्या, इट इज़ पॉसिबल कि तुम सीख सकते हो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट क्या आखिर वही बात आती है कि इट्स यूजलेस, किसी काम की नहीं। मतलब कि आपको जितनी ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है, आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठ के सारे मॉड्यूल, सारी लाइब्रेरी, सारी फ्रेमवर्क आप बैठ के उसको पढ़ रहे हो, फिर आप सारा का सारा कोड पढ़ लो, जितने आपको ज़रूरत है उतने पढ़ लो, हाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, क्या पता वो आपकी वही चीज़ आपके एक आगे आके काम आ जाए। अगर आपको लगता है बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, वो हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, मगर पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखने जाओगे कभी नहीं सीख सकते, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑब्वियसली काम करना है, आपको कमाना है, आप पूरी ज़िंदगी आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ने में तो नहीं निकालनी ना, तो ऑब्वियसली आप इस वजह से आप उसको कभी पूरा नहीं सीख सकते। और मैं ये और कभी पूरा सीखने की कोशिश भी मत कीजिएगा कि नहीं यार मैं दूसरे से अलग हूँ, मैं आराम से कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कंपटीशन, ऐसे चैलेंज का कोई फ़ायदा नहीं जिससे आप खुद पीछे रह जाएं, और इससे कोई सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट कीप इन माइंड डैट व्हाट यू लर्न, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग टू एम्पावर योर स्किल्स बाय डूइंग हार्ड वर्क। क्या मतलब, जस्ट अपने माइंड में ये बिठा लो कि जो तुमने सीखा है वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही है, क्यों, अपने स्किल्स को एम्पावर, अपने पावर अप करने है उसको, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और वो कैसे हो गया, हार्ड वर्क करके, तो मैं मेहनत करनी होगी, तो मैं मतलब कि हर चीज़ आपको, मतलब कि हर चीज़ जो जो चीज़ सीखी तो मैं हर चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम्हें लगता है वो चीज़ तुम्हारे जैसे कि काम की सीरियसली नहीं है, मगर वो एडवांस है, बेसिक्स नहीं, बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है, मगर वो एडवांस है, वो एडवांस ऐसी कि जो आपके काम नहीं आनी, वह फ्रेमवर्क है, आप आपको ओपन सीवी किसी काम का नहीं है, और आप जा रहे हैं किसी और फील्ड की तरफ, तो ऑब्वियसली पाइथन में ओपन सीवी फिर आपको किसी काम का नहीं है, पहले नहीं, ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क नहीं, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ लाइब्रेरी, या इट्स अ लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, तो आपकी ऑब्वियसली ओपन सीवी काम नहीं आएगी, अगर आप किसी और अगर आप एप्लीकेशन बना रहे, हाँ काम आ सकता है अगर वो एप्लीकेशन अगर कंटेन करती है फोटो इमेजेस रिकगनाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, तो फिर हाँ वो उसमें काम आ सकती है, मगर अगर आपकी ज़रूरत नहीं तो आपकी ओपन सीवी पढ़ के क्या करना है, हाँ उसमें आप देखने के लिए काम ही कैसा करता है, आपको देखना है कि हाँ भाई ये ओपन सीवी अच्छा है या दूसरी लाइब्रेरी कोई और सी दूसरी लैंग्वेज का चेक करूँ ये अच्छा है, उसके लिए ये समझ आते हैं, मगर पूरा सीखना फजूल में जिसकी मतलब कोई काम ही नहीं, आप वो सीख लो जो आपके काम आएगा, आप वो कर लो उस
प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट में काम कर लो जो आपको कम से कम कमा के दे सके और जिससे आपकी स्किल्स भी बढ़ें। बेशक उसमें गलतियाँ बग आए, मगर आप उसमें मेहनत करें और आपको कुछ नया सीखने के लिए, मेरे समझ में इसमें बग निकला, वो बग सीरियसली सीरियसली आज तक किसी भी यूट्यूबर ने फेस नहीं ही किया। मगर आप जब गूगल पे बग आएगा तो आपने स्टैक ओवरफ्लो पर लिखा तो रिसर्च किया, आपको क्या, मैं गारंटी से आपको 10 बातें और नई सीखने के लिए मिलेंगी मिलेंगी, और वही 10 बातों में आपको और नई चीज़ें सीखने के मिलेंगी। हर चीज़ पे आपको नई नई चीज़ सीखने मिलेंगी, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो, आपको नई चीज़ मिलेगी मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए और ये चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि आपको जब भी कुछ बग आए, गूगल को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना, गूगल पे स्टैक ओवरफ्लो आए है, मज़ा आ जाएगा अगर आपने कर लिया, अगर स्टैक ओवरफ्लो का अपने फ्रेंड बना लिया, क्योंकि सारे जितने भी ज़्यादातर बग्स या एरर आते हैं वो स्टैक ओवरफ्लो पे लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं, उससे तो वहाँ पे आ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप अपना सवाल खुद पूछ सकते हो, थोड़ी देर वेट करना। ऑब्वियसली आपने अभी जवाब दिया, आपने अभी सवाल किया और अभी कुछ सेकंड कुछ मिनटों बाद नहीं आएगा जवाब, कुछ आपको अक्सर दिन लग सकते हैं, तो आप उतनी देर में आप कुछ और कर लें, आपको कहीं और जगह पे आप सर्च कर लें कि यह बग क्यों आ रहा है, मगर आप सवाल ज़रूर लिख के छोड़ दें अगर किसी ने वो सवाल नहीं पूछा। बार बार एक ही सवाल मत पूछेगा जो पहले से पूछा जा चुका है, फिर आपको आपकी वो क्या बोलते हैं, अपवोट नहीं होगा, वो एक चीज़ है वहाँ पे जब आप जाएंगे पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्किल्स आर दी की टू वेल्थ, मतलब क्या, स्किल्स आपकी कुंजी है, मतलब आपकी चाबी है, वह पैसों की जरिए, मतलब जरिया है आपके पैसों का, हाँ जरिया आपके पैसों का स्किल्स। कैसे, ऑब्वियसली अब आपको स्किल्स आएगी, मैंने इन लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था कि आपकी अगर स्किल्स अच्छी तो ही आपकी कमाई होगी, तो ही आप कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी नहीं, ऐसी कोई आपको हरगिज़ भी हायर नहीं करेगा, या आप कहीं पे भी, आप ये याद रखिएगा, आप जब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास जो ऐसी स्किल्स है जो जिससे आप किसी और को या फ़ायदा पहुँचा सकें, कुछ कर सकते हैं, तो ही आपको बदले में पैसे मिलेंगे, ये याद रखिए। फजूल की कुछ चीज़ कोई नहीं खरीदने वाला आपसे, कोई भी कुछ नहीं करने वाला जब तक उनकी काम ना आ सके, आपको कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना होगा ही होगा। लिंक फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर दी अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन विल बी इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, या जितनी भी सारी लिंक्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, और वो क्या बोलते हैं ट्रेलिंग कॉमर्स और वाइट स्पेसिस, इन सब का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कुछ भी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि ये काम है, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ यू थिंक डैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर कॉन्टेंट लाइक दिस सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू गेट नोटिफाइड एज सून एज आई अपलोड एनी वीडियो ऑन दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन। याद से आप को अगर ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह का और कंटेंट चाहिए, ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ़ यू वांटेड टू गेट नोटिफाइड, मतलब कि जैसी मेरा चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जैसे कि नोटिफाइड होना कि हाँ भाई ये वीडियो आ गई, मुझे जल्द से जल्द करना है ये आगे से कंटिन्यू, तो आप ये बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।